मित्रों, राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन शुद्ध हो रहा था, तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वो रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह व्याघ्र आदि बोलने लगे। वो राजा बड़ा ही डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिए की झोपड़ी देखी। वो बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वो झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय ना देखकर उस बहेलिए से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। बहेलिए ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहां आ भटकते हैं, मैं उन्हें ठहरा तो देता हूं, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बड़ा ही झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूं, इसलिए अब मैं किसी को भी यहां नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है, यहां तो वो संयोगवश भटकते हुए आया है, सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। बहेली ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। सुबह बहेलिए ने झोपड़ी खाली करने को कहा। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने पर झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही सब परम प्रिय लगने लगे। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वो वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। वो बहेलिए से अपने और ठहरने की प्रार्थना करने लगा, जिस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वो जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित, बताओ उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वो कौन राजा था, उसका नाम तो बताइए। वो तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से ही अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वो बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मल मूत्र की गठरी देह में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वो अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते, क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और विबंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। मित्र, वास्तव में यही सत्य है, जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब वो जन्म लेकर इस संसार में आता है तो सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसे भा जाती है कि वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। इसलिए संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचाने और उसको प्राप्त करें, ऐसा कर लेने पर आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।